नमस्कार प्यारे बच्चों, पाठ दो माता का अंचल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तो मैं जिस प्रकार से अपनी बात को आपके सामने कहती हूँ उसी अंदाज में एक बार फिर मैं आपको चंद पंक्तियाँ अपने द्वारा लिखी है ना, जो आपके लिए प्रेरणा का काम करेंगी शायद, यदि आपने ध्यान दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप इन पंक्तियों पर गौर अवश्य फरमाएंगे, है ना। तो जान है तो जहान है, हिंदुस्तान महान है। जान है तो जहान है, हिंदुस्तान महान है। मानवता इसकी पहचान है, मानवता इसकी पहचान है। तिरंगा आन बान शान है, तिरंगा इसकी आन बान शान है। स्वस्थ वही जो धैर्यवान है, स्वस्थ वही जो धैर्यवान है। मतलब यदि हमारे अंदर पेशेंस है ना, तो हम इस जंग में जीत अवश्य जाएंगे। मतलब यदि हम घर पर रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, तो धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि जो धैर्यवान वही कहलाएगा, क्या है, जो स्वस्थ है वही धैर्यवान कहलाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ से होगी, अब हमारे धैर्य से होगी, हमारे पेशेंस से होगी। यदि हम घर पर रह सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं घर पर ही, तो हम स्वस्थ रहेंगे। चलिए, तो हमने पढ़ा था पिछली बार, हमने देखा कि किस प्रकार से भोलानाथ अपनी भोलानाथ की कहानी हम देख रहे थे। तो भोलानाथ किस प्रकार अपने पिता के साथ मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, किस प्रकार उनकी माता उन्हें खिलाती हैं, किस प्रकार भोलानाथ गंगा नदी के तट पर जाते हैं, उनके पिताजी राम नाम की जो गोलियां बनी हुई थी कागज लपेट कर आटा में, है ना, तो वह मछलियों को खिलाते हैं। भोलानाथ कितना आनंद उठाते हैं कंधे पर बैठे बैठे, और भोलानाथ आम के पेड़ की डाल में झूला भी झूलते हैं, ठीक है ना। तो कितना मस्त लग रहा है सोचकर ही, कितने आनंद की अनुभूति हो रही है हमको। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब खा पी लेते हैं तो पिताजी कहते हैं कि अब तो मेरा भोलानाथ राजा बेटा बन गया। और भोलानाथ दौड़ लगा के गली में निकल जाते, मोहल्ले में निकल जाते हैं अपने संगी साथियों के साथ खेलने के लिए, नंग धड़ंग, है ना। मतलब जो वो अंडरवियर भी अकेली पहने होंगे, बनियान पहने होंगे, तो वही अंडर गार्मेंट्स में ही वह बाहर निकल जाते हैं। इसके आगे देखते हैं हम, और फिर देखिए क्या होता है कि काठ का घोड़ा, मैंने आपको बताया था कि काठ के घोड़े पर पहले क्या होता था, ये जो आज हम देखते हैं छोटी छोटी सी साइकिलें या छोटी छोटी मोटरसाइकिल, छोटी सी कार बच्चों के लिए लोग अपने पेरेंट्स देते हैं बच्चों को खेलने के लिए, ऐसे पहले नहीं चलती थी। तो पहले क्या होता था, लकड़ी का घोड़ा हुआ करता था, उस लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके बच्चे अपने आप को घुड़सवार समझते थे और बहुत इंजॉय करते थे। तो ऐसे ही लकड़ी का घोड़ा अर्थात काठ का घोड़ा भोलानाथ के माता पिता ने भी उनको ला कर दिया था, और वह लेकर के वो बाहर निकल जाते हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। मतलब पहले लोग क्या लगाते थे, सरसों का तेल लगाया करते थे, है ना। अधिकांश लोग सरसों का तेल, सरसों के तेल को शुद्ध भी मानते हैं और कीटाणुओं का नाश करने वाला भी मानते हैं, है ना। इसलिए सरसों का तेल लगाया करती थी उनकी मैया सिर पर, और फिर क्या, चुल्लू भर, चुल्लू किसको कहते हैं, हथेली में जो हम ऐसा गोल आकार बना लेते हैं, है ना, तो उसको हम चुल्लू कहते हैं। तो चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती थी, और फिर क्या करती थी, वह बोध कर ही मानती थी। बोध कर मतलब क्या करती थी, जब हम रोने लगते बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, बच्चे क्या है तेल नहीं लगवाना चाहते थे और मालिश नहीं करवाना चाहते जब छोटे रहते हैं, तो मैया जबरदस्ती पकड़ती है और वो क्या करती थी, और फिर उसके बाद क्या करती थी, पकड़ करके सिर पर तेल बोध कर देती थी। मतलब बोध कर देना मतलब क्या कहलाता है, सराबोर कर देना, मतलब बिल्कुल तेल से बिल्कुल भर देती थी सिर को, बालों में तेल ही तेल नजर आता था, बड़े हमें उबड़ कर ही छोड़ती थी। और फिर उसके बाद उपटन भी करती थी, और फिर हमारी नाभि और ललार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी, है ना। नाभि आप जानते ही होंगे, ललार मतलब माथा, यहाँ पर काली काजल की बिंदी लगा देती थी। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को माएं अक्सर लगा दिया करती हैं, आज के जमाने में तो फिर भी काजल नहीं लगाती क्योंकि डॉक्टर्स मना कर देते हैं, लेकिन पहले काजल अनिवार्य ही था, हर माँ अपने बच्चे को काजल लगाती थी। तो उसी की बिंदी भी लगा देती थी, माथे पर भी काजल की टीका और यहाँ लगा देती थी ताकि नजर ना लगे, सीने पर भी लगाती थी,
पैर के तलुओं में हाथ में भी लगाती थी छोटे बच्चे को। तो इस प्रकार से भोलानाथ की माता भी उनको तैयार करती है और फिर क्या करती थी कि चोटी गूंथती थी, क्योंकि भोलानाथ का भी मुंडन नहीं हुआ था। जब तक मुंडन नहीं हुआ होता है बाल बड़े बड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के, तो भोलानाथ के भी बाल बड़े बड़े थे, तो माँ अच्छी चोटी बना दिया करती थी उनकी, गूंथना मतलब बनाना, उनमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी और फिर जो रिबन बांधती थी उसमें अच्छा फूल सा बना देती थी, है ना, और उसके बाद रंगीन कुर्ता टोपी भी पहना देती थी और हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब इतनी प्रक्रिया होते होते क्या होता था कि बच्चा रोने लग जाता था, सिसकना ऐसे करके रोने को सिसकना कहते हैं, मतलब जब अत्यधिक रो लेता है बच्चा तब सिसकियां चालू हो जाती हैं, है ना, तो ऐसे रोने लग जाते थे तब बाबूजी माँ की गोद से बच्चे को लेकर के बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाली बालकों का झुंड मिल जाया करता था। बाहर जैसे ही ये निकलते थे बाबूजी के साथ, इनका इंतजार बाट जोहना मतलब इंतजार करना, रास्ता देखना, तो जो बाहर बच्चों की मंडली थी, मित्र मंडली जो थी इनकी, तो वो बाहर इंतजार करती रहती थी। फिर क्या करते थे ये कि बाहर जैसे ही उनके झुंड मिल जाया करता था, ग्रुप मिल जाया करता था, समूह मिल जाया करता था बच्चों का, हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर और दौड़ पड़ते थे और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। हम जोली साथी संगी जो थे उनके, जो फ्रेंड सर्कल था उनका, है ना, छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले के होंगे, पहले मोहल्ले भी ऐसे थोड़ी हुआ करते थे, मोहल्ले भी पूरे घर की तरह हुआ करते थे, बच्चा कहीं भी घूमता रहता था, खेलता रहता था, है ना, और कोई फिक्र चिंता नहीं रहती थी, इतना भाईचारा, इतना आपसी प्रेम व्यवहार था लोगों में, तो ये भी ऐसे ही उतर के दौड़ पड़ते थे और खेलने लग जाते थे, रोना भूल गए। अब देखिए तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, तरह तरह के नाटक करते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है नाटक प्ले करते थे, कैसे देखिए बहुत मजा आएगा आपको सुनकर के। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता था, है ना, चबूतरा मतलब थोड़े से ऊंचे पोर्शन को, घर के बाहर जो होते हैं ना ऊंचे से पोर्शन, उसको चबूतरा बोलते हैं, तो उसको वो क्या करते थे नाटक का एक कोना बना लेते थे, कॉर्नर बना लेते थे, और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती थी, रंगमंच स्टेज बन जाया करती थी, है ना, उनकी रंगमंच का मतलब होता है स्टेज, स्टेज बना लेते थे उसको, उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदौरा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था नदी के किनारे लगने वाली एक अलग प्रकार की घास है, उसको चारों तरफ उसके खड़े कर देते थे, उसके ऊपर कागज लगा देते थे, चंदौरा मतलब चांदनी या तिरपाल जिसको हम कहते हैं, मतलब सीलिंग, है ना, तो वह बन जाती थी। तो फिर उसके बाद देखिए क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, अब जो वो रंगमंच बना उस पर क्या है मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के जो ढेले रहते थे, चिलम का खोंचा, खोंचा किसको कहते हैं आपने देखा होगा हमारे स्कूल के बाहर कभी कभी एक गोल से आकर की एक टुकनी रहती है, लंबा सा स्टूल रहता है लकड़ी का, उसमें फिट रहता है, आपने देखा होगा बांस से बना हुआ, और चना जोर गरम बेचता है वो व्यक्ति, है ना, तो चना वो चाहे जहाँ खड़ा कर लेता है उसको खोंचा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से उन लोगों ने भी अपने तैयारी कर ली और क्या बेच रहे हैं उसमें रख करके लड्डू बेच रहे हैं, किस चीज के लड्डू, ढेले के, मिट्टी के ढेले जो रहते हैं उसके लड्डू बना लिए गए और पत्तों की पूरी कचौरियां, झूठ मूठ का नाटक खेल रहे हैं, तो झूठ मूठ का सारे आइटम भी है उसमें, तो पत्तों की, है ना, पेड़ के जो पत्ते हैं उसको पुड़ी मान लिया, कुछ पत्तों को कचौड़ी मान लिया, और गीली मिट्टी की जलेबियां, गीली जो मिट्टी है उसको जलेबी की आकार दे दिया कि जलेबी बन गई है, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बन गए, जो घड़े मटके, है ना, जो पॉट होते हैं वो टूट गए यदि तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको बताशा मान लिया, और फिर देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से मिठाई सजा ली जाती, मिठाई की दुकान सज जाती, ढीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते। अब ढीकरों मतलब छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े रहते हैं, और जस्ता एक प्रकार की धातु है, उसके भी टुकड़े, घर में जो भी सामान पड़ा तो उसके क्या कर लेते थे पैसे बना लिया करते थे ये लोग, और हम ही लोग खरीदार
और हम ही लोग दुकानदार बन जाते। उन्हीं में से कुछ बच्चे क्या करते थे कि ग्राहक भी बन जाते थे और कुछ बच्चे दुकानदार भी बन जाया करते थे। और फिर क्या करते थे, बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी क्या करते थे, दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। और फिर देखिएगा थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। अब एक खेल खत्म हो गया मिठाई की दुकान वाला, अब ये घर बनाने का खेल आरंभ कर देते थे, है ना। फिर क्या करते थे, धूल की मेड़ दीवार बन जाती। धूल की जो मेड़ थी, धूल आप जानते हैं डस्ट जिसको कहते हैं, उससे मेड़ बनाते। मेड़ मतलब एक प्रकार की बाउंड्री होती है जो खेतों में आपने देखी है, है ना, जो खेतों के चारों तरफ होती है उसको मेड़ बोलते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं उसको। तो वो दीवार बन जाती और तिनकों का छप्पर बना लेते थे, है ना, तिनके दानों का छप्पर बना देते थे। और दातून के खंबे दिया सलाई की, मतलब जो घास की छोटी छोटी घर में लगी होंगी वो तिनके टाइप के, तो उसका जो छप्पर बन जाता था। और दातून, दातून क्या कहलाती है, पुराने जमाने का ब्रश। आजकल हम ब्रश से अपने दांत साफ करते हैं, पहले के जमाने के लोग दातून से अपने दांत साफ किया करते थे। दातून किस चीज की होती थी, या तो बबूल की या तो नीम की हुआ करती थी, है ना, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती है क्योंकि उसमें कीटाणु नाश करने की क्षमता होती है। बबूल में भी और नीम में भी, ये दोनों में ये गुण पाए जाते थे। तो उस दातून के खंभे बना लेते थे। और फिर क्या करते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बना लेते थे। दिया सलाई क्या कराती है, मैचस्टिक जिसको हम कहते हैं, मैचस्टिक बॉक्स जो होता है, है ना, तो माचिस का जो डिब्बी होती है उससे दरवाजे बना, किवाड़ क्या है दरवाजा। और घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की बना लिया करते थे, जो घड़े का ऊपरी पोर्शन गोल गोल रहता था उसका चूल्हा भी बन जाता था, उसकी चक्की भी बना लिया करते थे। और फिर क्या करते, दिए को कड़ाही का रूप दे देते थे। दिया एक वो कड़ाही बन गई उनकी, और बाबूजी की पूरा पूजा वाली जो आचमनी की कलछी बन जाती थी। पूजा वाली आचमनी आपने देखा होगा कि घर में जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ एक छोटी सी गिलास होती है, है ना, उसमें एक छोटी सी चम्मच डली रहती है तांबे की, तो वो आचमनी कहलाती है, वो चम्मच जो होती है वो आचमनी कहलाती है। तो वो कलछी बन जाती थी। कलछी आप जानते होंगे ना, करछुल जिसको हम कहते हैं, जिससे हम दाल सर्व करते हैं। और पानी के घी, धूल के पिसान, पानी को घी मान लेते थे और धूल को क्या, पिसान, पिसान मतलब आटा। और बालू की चीनी, बालू भी धूल से थोड़ी मोटी होती है, तो वो क्या बन जाती थी, चीनी, चीनी अर्थात शक्कर, शुगर जिसको हम बोलते हैं। और हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार तैयार करना, खाना तैयार करना, भोजन तैयार करना। और फिर क्या करते थे, हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती, पंगत बैठ जाती थी, लाइन से सारे बच्चे बैठ जाते थे और कुछ बच्चे उसमें परोसने का, झूठ मूठ का सब खेल चल रहा है, कुछ बच्चे झूठ मूठ के परोसने का काम करते थे। तो यही लोग खाने बैठते, यही लोग परोसने बैठते थे, यही लोग बनाते भी थे झूठ मूठ का। और फिर क्या होता था, जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। क्या होता था, जैसे ही बच्चों की पंगत बैठी खाना खाने के लिए, वैसे ही इनके पिताजी भी जो हैं, है ना, किसके, भोलानाथ के पिताजी भी लाइन में सबसे आखिर में बैठ जाया करते थे, छुप करके, है ना, बच्चों का खेल देखा करते थे और छुप कर लास्ट में बैठ जाते थे और जीवने के लिए, जीवने मतलब खाने के लिए बैठ जाते थे। और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंस कर और घरौंदा मिटा कर बिगाड़ कर भाग चलते थे। बाबूजी को देखकर सारे बच्चे शर्मा जाते थे और क्या करते थे, अपना जो बनाया हुआ घरौंदा था, ये जो दुकानें थी, वो सब कुछ मिटा करके आगे बढ़ जाते थे, भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर भोज कब होगा भोलानाथ। और क्या कहते, बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और फिर भोलानाथ से कहते थे, अब अगली बार भोज कब होगा भोलानाथ। और फिर भोलानाथ और उनके साथी संगी भाग जाया करते थे। तो इस लेक्चर में मैं यही तक आपको कहानी बता रही हूँ, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में सेफ रहिए, क्योंकि अब तो दमों में भी कोरोना पीड़ित आ चुके हैं, तो अब ज्यादा सुरक्षित रहने का समय आ चुका है, ज्यादा सावधानी बरतने का समय आ चुका है, है ना। इसलिए सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। थैंक यू।